नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो NTT का एग्ज़ाम हुआ था अभी फरवरी 2019 में, इसका रिज़ल्ट जो है कब तक आ सकता है। पहले जो न्यूज़ आई थी जो BL जाटावट जो कि RSSB के जो प्रमुख है, उन्होंने बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो पहले तो मई का उसमें डेट था, उसके बाद जो है जो चुनाव आ गए और चुनाव के बाद भी जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ और जो पब्लिक नोटिस वगैरह जो आए थे उनमें था कि चुनाव के बाद जो है जो एग्ज़ाम नहीं हुई है और जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बाकी है तो वो चुनाव के बाद आएंगे। तो अभी चुनाव जैसे कि अभी लास्ट राजस्थान में तो चुनाव हो चुके हैं, 6 मई को लास्ट दो बार में जो चुनाव होना था तो 6 मई को हो चुका है। इसके बाद जैसे राजस्थान में जो है रिज़ल्ट की जैसे स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान का है उन्होंने रीट की जो सेकंड लिस्ट, मतलब रिज़ल्ट एक तरीके से मान सकते हैं, उन्होंने भी जो है सेकंड लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद जैसे भी देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो है थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब मई के लास्ट तक तो जो आपका रिज़ल्ट है वो आ ही जाएगा। क्योंकि यही पता लग रहा है, क्योंकि जब एक डेट अप्रैल में दी गई थी तो हालांकि अगर अप्रैल में अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो ऑफकोर्स मई में तो आ ही जाएगी, तो आप मई तक का वेट कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं वीडियो जो है जब रिज़ल्ट आ जाए तो उसी दिन मैं आपको बताऊँ कि हाँ रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन आपके काफ़ी सारे जो मैसेज मिले, ईमेल्स आए और जो कमेंट्स भी आए हैं मेरे अदर वीडियो पे कि रिज़ल्ट कब आएगा NTT का, इस तरीके से। हालांकि मैंने काफ़ी सारे के जवाब भी दिए, फिर मुझे लगा कि हालांकि मुझे जो एक वीडियो बना के आपको बता देना चाहिए कि हाँ आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने राजस्थान या अगर जो देश में अगर कहीं भी एग्ज़ाम होती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा जल्दी से वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है। अगर कोई सेंट्रल लेवल की या फिर कोई स्पेशल कोई बोर्ड की अगर एग्ज़ाम होती है तो वो ज़रूर क्लियर हो जाती है 6 महीने में, जैसे बैंक की एग्ज़ाम होती है तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम होने के लिए अब आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा था, तो जैसे आप एग्ज़ाम के लिए अभी इतना वेट कर चुके हैं तो आपको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। हालांकि मई के अंदर, मतलब मई के लास्ट वीक तक तो आ ही जाएगा, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आए, तो आप थोड़ा वेट ज़रूर करें, क्योंकि सब्र का फल जो है मीठा होता है। तो इस तरीके से, और जैसे कि मैंने आपको पहले के जो न्यूज़ आई थी उनके भी एक बार फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको वहाँ लगे कि सच में जो है आ सकता है मई में रिज़ल्ट। तो ये जो न्यूज़ थी वो अप्रैल में आई थी, तो इसमें दिया गया था कि जो एग्ज़ाम बाकी है उनका कब होगा, या फिर जो एग्ज़ाम हो गई है उनका परिणाम कब आएगा, इनका इंतज़ार जो है परिणाम का वो कब जो है ख़त्म होगा। तो इसमें आया था कि जो चुनाव के बाद जो है रिज़ल्ट आ जाएंगे या जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आप थोड़ा वेट करें। सो इस तरीके से आपको जो है कोई भी अपडेट होगी तो वो ज़रूर मैं आपको अपडेट करूँगी टाइम पर, जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो इस तरीके से आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो और न्यूज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।